सुप्रभातम बच्चों, पुनः पहले की तरह कक्षा आठवीं संस्कृत रुचिरा लेकर के उपस्थित हुए हैं। और संस्कृत रुचिरा का जो पाठ है वह है त्रयोदश पाठ, और त्रयोदश पाठ में हिमालय है। हिमालय का अर्थ होता है हिम जोड़ आलय बराबर हिमालय, और हिम का अर्थ होता है बर्फ, और आलय का अर्थ होता है घर। यानी हिमालय जो है वह बर्फों का घर है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और कवि का कहना है जो हिमालय पर्वत जो है वह किस प्रकार से हमारे देश की रक्षा करते हैं, किस प्रकार से ये प्रहरी का काम करते हैं, हाँ, और किस प्रकार हमें मतलब दूसरे देशों से बचाव करते हैं, शत्रुओं को वे अपने देश में आने के लिए रोक देते हैं। तो इसी पर आधारित यहाँ कवि कुछ श्लोक दिए हुए हैं, जिसमें हम लोग बच्चों देखते हैं इसका क्या हिंदी अनुवाद है, इसको तुम लोग लिख लोगे समझ लोगे। जिसमें पहला नंबर जो श्लोक है वह है उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वतराज है। उत्तर दिशा में जो है हिमालय नाम का एक पर्वत है जो पर्वतों का राजा है, यह देवी की आत्मा है। अब ये क्या है तो इसको कवि देवी की आत्मा के रूप में प्रेरित किए हुए हैं मानते हैं, एवं इसके पूर्व और पश्चिम में दो समुद्र माने जाते हैं, दोनों के बीच में यह पृथ्वी के मानदंड या मापक की भांति शोभायमान है। कह रहे हैं हिमालय पर्वत जो हैं ये मानदंड या मापदंड के रूप में ये अपनी सुंदरता को बढ़ाते हैं, ये शोभा को बढ़ाते हैं, हमें सुंदरता प्रदान करते हैं। पहला श्लोक का हिंदी पाठानुवाद इस प्रकार है। दूसरा नंबर में आ जाता है जो अनंत रत्नों को जन्म देने वाले, यानी जितने सारे रत्न हैं उनको जो ये जन्म देते हैं, वे जिस हिमालय के सौंदर्य की बर्फ उसी प्रकार विनाशक नहीं हुई है जैसे गुणों के समूह में एक दोष उसी तरह छिप जाता है जैसे किरणों के समूह में चंद्रमा का कलंक छिप जाता है। कह रहे हैं कि किरण जो हैं उनके बीच में चंद्रमा में जो कालीपन लगा हुआ है वह क्या होता है, लुप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे इन सभी को सुंदरता को बिखेर देकर छिपा लेती है। इसके बाद तीसरा नंबर जो है वह है सिद्धजन शिखरों के मध्य भाग तक विचरण करते हुए बादलों की छाया के नीच सेवन करके लाभ उठाते हैं, तथा वर्षा से पीड़ित होने पर जिस हिमालय के तपन वाले शिखरों की शरण लेते हैं। अब ये कह रहे हैं क्या जो हिमालय के अंतर्गत में अनेक ऋषि मुनि देवी देवता या पशु पक्षी ये सारे ऋषि मुनि ये सभी क्या करते हैं, छिपे हुए रहते हैं जो कि शरण लेते हुए हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग इसको प्रेरित कर देते हैं। इसके बाद है चौथा नंबर जो है श्लोक, उसमें है जिस हिमालय पर हाथी अपनी कनपट्टी की खुजली मिटाने के लिए देवदार के सीधे वृक्षों को रगड़ते हैं, इससे उनका पेड़ों का रस टपकने से पैदा हुई सुगंध सभी शिखरों को सुगंधित कर देती है। कर रहे हैं क्या जैसे ही वह देवदार के वृक्ष में जाते हैं वे रगड़ने के लिए, उसी तरह देवदार से जो हैं वह सुंदर से गंध निकल करके सारे वातावरण को सुगंधित कर देती है। इसके बाद लास्ट नंबर जो श्लोक है पांचवा नंबर वह है जो हिमालय गुफाओं में दिन से डरकर छिपे हुए अंधकार को भी सूर्य से बचाता है, निश्चय ही उन्नत शीश वाले महापुरुष क्षुद्र दुच्च जीवों को शरण देकर ममत्व प्रकट करते हैं। कह रहे हैं क्या जितने सारे छोटे या बड़े जीव हैं वे सारे जीवों के ये क्या करते हैं, पुनः रक्षा करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं, इस प्रकार अपनी ममता यानी प्रेम से सभी जीवों को अपने अंदर में आश्रय प्रदान करती है।
तथापि हमारी सहायता भी करती है। हमारे उत्तर दिशाओं में जो भी दुश्मन हैं वे हमारे देश तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन्हें हिमालय पर्वत क्या करते हैं, उधर ही रोक देते हैं और अंदर आने के लिए नहीं देते हैं। बस यही इसमें हम लोग हिमालय का जो है पहला और दूसरा तीसरा चौथा पांचवा श्लोक का भावार्थ है बच्चों। पुनः फिर हम लोग क्या करते हैं, तुम लोगों को प्रश्न भी डील कर देते हैं जिसको तुम लोग फेर के साथ लिख लोगे, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन एक नंबर का जो है वह कौन नंबर पृथ्व्यांग मानदंड का, तो आंसर में हम लोग लिखेंगे हिमालय। हिमालय भारतस कस्याम दिशि वर्तते, तो आंसर में लिखेंगे उत्तर 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 श्याम, मतलब उत्तर दिशा में। इंद्रो किरणेशु कह निज मंद्यति अंक और कलंक। कुमार संभव महाकाव्यम रचिताम का, कुमार संभव का रचयिता कौन है, तो कालिदास लिखेंगे। हिमालय गृहासु कम रक्षति यानी अंधकारम दिवा भीतम। इस प्रकार से बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो प्रश्न निर्माण करने के लिए, तो क नंबर में होगा कश्याम, ख नंबर में होगा कह, ग नंबर में होगा कैन और घ नंबर में होगा कश्य। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है वह है अति जोर उत्तरश्याम। इसके बाद नगाधिराजा है तो उसमें लिखोगे नग जोर अधिराजा। इसके बाद पूर्वा परो पूर्व जोर अपरो। इसके बाद किरणेश्वी किरण किरणेशु जोर ईव। और यस्या यस्ताम तपवंती यश जोर आतपवंती, इस प्रकार से करते जाएंगे। इसके बाद प्रथमा विभक्ति तृतीया विभक्ति षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में लिखो। पहले प्रथमा विभक्ति में जो जो शब्द आए हुए हैं उसको लिखो बच्चों। तो नगाधिराजा है प्रथमा विभक्ति में, नगाधिराजा मानदंड श्रृंग कानी। इसके बाद सिद्धा। इसके बाद तृतीया विभक्ति में चले आओ किरणी वृष्टि भी। इसके बाद अस्युत क्षीरत्या कालिदासेन। और इसके बाद षष्ठी विभक्ति में चलो प्रभवस्य। इसके बाद प्रभवस्य। इसके बाद द्रुमानाम धनानाम विदघटितानाम। इसके बाद दिशी महाकाव्य सप्तमी विभक्ति में दिशी महाकाव्य क्षुद्रे छायायाम। इसके बाद बच्चों आगे का जो पांचवा है प्रश्न, उसमें हम लोग वाक्य का निर्माण करेंगे और वाक्य निर्माण करने में पहला जो है वह है पृथिव्या। तो लिखो पृथिव्या इति पर्याय पदम अस्ति भूमे। इसके बाद हिमालय कैलास हिमालय वर्तते। गुहासु अंधकार भवति। इसके बाद इंदो प्रकाश श्वेतः भवति। इसके बाद छायायाम विश्राम क्रियते यानी छाया में हम लोग क्या करते हैं, विश्राम करते हैं बच्चों। पुनः फिर हम लोग क्या करते हैं, ये 13वां पाठ जो है वह ख़त्म होता है बच्चों। थैंक यू।